वेलकम बैक नाजरीन। अज असं गल करें दे पें कि जिहड़ी सियासी जमातां दे विच जिहड़ा पोलीटिकल वर्कर हुंदा है, कारकुन हुंदा है, जिहड़ा जलसे जुलूसां दरियां खिंडाउण दे विच तुहाडी जिहड़ी लीडर दी कसीदे शायरी और बाज़ औकात हुण तां असां जमातां दी खड़ देते हां, असां दिठे इन्हां कारकुनां जेलां कट्टियां, कोड़े खाते, किलां दे विच बंद थे, शहीद थी गए, फांसी लग गए, लंबिया लंबिया कैदा कटिया। अज भी ये जे कारकुन मौजूद हैं। इस हवाले ना अस अज गल करेंगे पे और साड़ी मेहमान है अंबर नवाज और उन्होंने नाल तशरीक हैं आबिद अब्बासी साहब। आबिद वक्फे तो पहले जो तुम गल करेंगे पे कि भाई अगर उसको तुम बधाना चाहो क्यों क्यों नहीं आता कारकन, क्यों नहीं आता कारकन, हाँ। क्यों नहीं पैदा होता पोलिटिकल पार्टीज कारकन क्यों नहीं पैदा कर रही हैं? ठीक है, वो देखो जो कारकन पैदा कर पनीरियां हैं या तुसी करो जी नर्सरीज हैं वो होंगे किसी भी एरियाज कॉलेज यूनिवर्सिटीज जितों तुहानू यूथ निकल के बाहर आती। ठीक ठीक है, यूथ इस वास्ते तुहाडे कोल नहीं आ रही, तुहाडे स्टूडेंट तुहाडे कोल इस वास्ते नहीं आ रहा, इस वास्ते कि तुहाडा जिहड़ा पोलिटिकल सिस्टम है पार्टीज के अंदर वो एक शख्सी आमरीयत अला हो गया, वो अंदर यह सूरत हाल है जो एम एन ए वे अगे उसका पुत्र एम एन ए बन रहा, अगे एम पी ए बन रहा, उसका नसल दर नसल जो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक ठीक है। दूजा तुम ये देख लो कि जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कुछ डिलीवर ही नहीं किया। मेरा ख्याल एक होर वजह भी है कि जी थी नर्सरी आमनी है कॉलेज स्कूल तो वह तो पाबंदी लगी हुई है जियाउल हक के दौर तो अज तक कुछ नहीं कर सकते, पाबंदी है वो वर्कर आ ही नहीं रहा। लेकिन ज्यादा दौर से बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे जो पैदा हुए हैं, लेकिन सूरत हाल पता क्यों ऐसा भी जो नसल दर नसल खानदानी जी थोड़ी हुक्मरानी है ना किसी भी इलाके के अंदर एम एन ए भाई एम एन ए बन जाएगा, उसका भतीजा एम पी ए बन जाएगा। अंबर ये जी आबिद गल की थी, आबिद ये आदा पाया कि भी जी पोलिटिकल पार्टी है, पोलिटिकल पार्टियां ची हूँ नसल दर नसल काम चल गया कि जो पीपल्स पार्टी है बेटा है या बेटी है, प्यो है तो पुत्र है, भतीजा है, चाचा है, मामा है, दादा है, पोत्र है। ये हूँ अगे शख्सी अमरीयत होंगी कि भाई फौजी आ गया आमिर है जी अमरीयत है। हूँ तो पोलीटिकल जमातों के भी नसल दर नसल पोलीटिकल पार्टी एक विरासत की तरह वहदी है, ये गल सही है, थोड़ा क्या ख्याल है? बिल्कुल, जिमें एक पहले एक कहावत आँदी है कि डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही बढ़ सी, हूँ एक कहावत सियासी सामने आँदी पई है कि वजीर आजम का पुत्र वजीर आजम, सदर का पुत्र सदर। सियासी जमातों के खानदानी पार्टियां डिकटेटर बढ़ के बह गया इन कि असा ई देते हैं तो मेरा पुत्र ई देते वाला आसी। इन्हों की एक सोच बढ़ गई है कि जरा वर्कर दिन रात हिक करके काम करें दे, स्ट्रगल करें दे, मेहनत करें दे, ये पार्टी वास्ते, ये मुल्क कौम वास्ते, अपनी जमात वास्ते, लेकिन उन वर्कर को अगू आवन की बजाय अगू एक रस्ता बंद कर देने ते अपनी आल औलाद को भतरीजा होवे भतरीजी होवे पुत्र होवे धी होवे जैकू होवे ते फाइस कर देने, लेकिन ओ ओदे दे काबिल ही नहीं होंदे क्योंकि एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होंदी है ना सियासत। सियासत का मतलब है आवाम दे जेरे मसाइल इन आवाम दे जेरे दुख दर्द इन जेरे आवाम, ये मतलब नहीं होता कि एक बेडरूम में उठ के तुस कुर्सी ते बिला रहे हो तो आखो वजीर आजम है। ये तो एक तुसा बहुत बड़ी खबर ही सा कोई दी है जो तुसा अपनी गुफ्तगू की थी है कि वजीर आजम का पुत्र वजीर आजम, ये तो हम तुहारी सरैकी बेल्ट वजीर आजम का पुत्र उत्थे लड़दा पिया इलेक्शन, एक एम पी ए खलोती थी, एक एम एन ए थी, वैसी एम एन ए बिशा कितने रावे पिया, तो जो नवा सूबा बना तो सरैकी बेल्ट वजीर आजम चीफ मिनिस्टर बनने की उस की कोशिश हो सी। ये थोड़ा क्या ख्याल है उत्थे अपने वास्ते नर्सरी लेंदे पैण? नहीं, सारा ख्याल नहीं कि हूँ पीपल्स पार्टी मजीद रासी। अच्छा, नहीं लगता कि एक साल ही पूरा थी दिखाई दे सी या नजर आसी। ये आवाम नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी मजीद रावे। इन्हें तो जीत सो जी, तुम्हारी पार्टी जीत सो क्या नहीं ऐसा ही नहीं देख के सारी पार्टी जीत सी। हाँ। सारी कोशिश है कि इंशाल्लाह तारा पूरे मुल्क की चूं क्यों तुम यकीन क्यों नहीं है कि सारी नाल आवाम साथ है सारा आवाम दा ताकत है तुम क्यों नहीं यकीन भाई तुम्हारी पार्टी जीत सी? नहीं आवाम भी ऐसा ये नहीं आखते बिल्कुल तो आपको मीडिया सामने नहीं आखते कि ऐसा जीत सू बात मीडिया ये आखन पीछे को शुरू कर रहे थे कि ना कुछ एजेंसिया दा ये होए ये आपने यकीन ये तो बात भी आप बिल्कुल अगर तो जितो भावे ना जितो बात ऐसा तो ऐसा तो बिल्कुल इंगाल को ना मने ने ही गाल सारे नाल सिर्फ खुदा दा ते ही आवाम दा साथ है साकू बेकिशी के साथ दी जरूरत नहीं ते ना तेरे के साथ आदेनो गोल्ड समेत दा पैसा तुम्हारे को ले जमाएमा दा बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ जेरे दूजे पार्टी उन्होंने इल्जामात
ठीक है ना। थोड़ा लीडर थोड़ा क्या ख्याल है, तुसा हुण काफ़ी अरसे तू इन्हां नाल काम करदे पे हो, थोड़ा लीडर आवाम नाल या कारकुन नाल उसका रवैया जिहड़ा है, बिल्कुल रवायती जागीरदारां नाल वडेरां नाल नहीं, वो आम कारकुन आम आदमी। फ्रेंडली फ्रेंडली बहुत जबरदस्त रवैया है, इतना अच्छा रवैया यार है ऐसा कि तो सुने एडा मगरूर आदमी अच्छा है, अल्लाह ब्रेन लग रहा है तो 400 कदम लग रहा है। मैं भी आपरी उन्हां नाल 5-6 दफा मुलाकात थई, अच्छा 5-6 दफा, शाह महमूद कुरैशी नाल, जावेद हाशमी नाल, ते इमरान खान साहब नाल। मेरी बहुत ज्यादा इन्हां नाल काफी काफी टाइम में बैठ के गुजारा भी है, वक्त बहुत ज्यादा मेहनत चलो नाल। ठीक है तुसा मुतमैन जी जी आबासी साहब ई जेड़े दोस्तों का जिक्र करें दी पई अंबर, अगर असं शाह महमूद कुरैशी को देखूं तो ए पीर शुजात तो उन्होंने शुजात कुरैशी का पुत्र है जरा गवर्नर रही जियाउल हक साहब न जरा मजलिस शुरा का करता धरता, शाह साहब और रवी साहब खुद नवाज शरीफ नाल कितना अरसा बह गए, वक्त वाल पीपल्स पार्टी वाल हूँ इन्हों रीढ़ एक वे जागीरदार वे पीर ये सारी चीज़ा क्यों इन लोगों को यकदम तवक्को थी वेंदी है वाल मायूस भी थी वेंदे अज इस वास्ते कारकुन की नर्सरी को नहीं लोगों का रुख को नहीं। तो वजह देखो तुसी ए डिसबल्ट जो मुतरम तलक है वो ऐसा वर्ल्ड है जिथे जागीरदार स्टाइल ज़्यादा आवे, पंजाब के अंदर जनूबी एरिया ऐसा वे पसमंदा भी है, दूसरा उत्थे जिहदे कोल जमीन है तो वो 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार जनाब उत्थे उहदा वोटर भी उस जमीन पर रहिंदा। हालात थे वैन के जो एक पार्टी तू छोड़ के दूसरी पार्टी दूसरी तीसरी पार्टी चेंज अगर पार्टियां होंदिया रहन तो लोगों का एतबार उस क्यादत उत्ते उठ जाता है। ठीक है इलाकाई सतह तो हो सकता है उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा हो या फिर बंदा वो उसूल पसंद ऐसा हो कि किसी भी पार्टी हो तो लोग उस लाइक करन, दो गल्लां होंदियां जो उस पार्टी मसलसल चेंज करते रहो वो लोगों का एतबार नहीं रहता। और मेरा नहीं ख्याल कि तुसी फिर इस पोजीशन च होवो कि तुसी डिलीवर कर सको जो लोगों का एतबार। अंबर एक और चीज़ दसो जो प्रोग्राम अस हूँ देते हैं जिम्मे पहले पार्टियों के जलसे जलूस बहुत सारे लोग आके नाच तो ढोल तो जो कारकुन जोड़ा है पार्टियां रुख वाकई कारकुन घट थींदा वेंदा है, उनको पता लग गया भी मेरे मसाइल हल नहीं थींदे या उनके कोल वक्त को नहीं या मजबूरियां हैं या फिर ये कि कौन जी डांग सोटा खावे जेलों च वजे कारकुन घट थींदा पे। नहीं जे जे तक मेरे इलाके का ताल्लुक है तो मेरे इलाके दे विच रोज़ाना कई ऐसे अफराद हैं जेरे पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है एक नवी सोच ते एक तब्दीली दी सोच दे नाल ओ इमरान खान दे नाल उठ खड़े थे कि ई जमात को साकू ओ तवक्को उम्मीद हासिल है लगदी है नजर आंदी है कि शायद ये आवाम वास्ते देखो ना बाकी शामिल थींदा पे ने नू नहीं शामिल थींदा पे पीपल्स पार्टी दे विच लोग छोड़ के आंदे पे कारकुन ते नहीं ना कारकुन तो होंदा जेड़ा मिलके चलदा रहंदा पार्टी के चलदा रहंदा है। बिल्कुल तुहाडी ओ गल बिल्कुल बजाए मैं मने नहीं आ लेकिन उथों दे कारकुन छोड़ के उन्हों को पता होंगे कि ई पार्टी नाल से इतना अरसा गुजार चुके ई अरसे दे दौरान उन्होंने साको रिस्पेक्ट आबे तो कारकुन मेरा नहीं ख्याल कि कारकुन जड़ा ना मूव करदा पिया पीटीआई लिए वाले पासे ओही लोग हैं जड़े पहले मौजूद सन या फिर ओ जड़ा नया ब्लड जनरल एवे के कारकुन जेड़ी भी जमात है कोई पीपल्स पार्टी तो मायूस है कारकुन मायूस है कारकन हकीकी तौर से मायूस है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने एक छोटा जा मैसेज पीपल्स पार्टी कोई भी डिलीवर नहीं कर सकी आबिद में एक छोटा जा अंबर मैसेज के कारकुन किल मैसेज देंदे इस वक्त पार्टी दे लीडरों नु ते के मैसेज के देसो बस कारकुन दा मैं अपनी तरफ को ले मैसेज देनिया पूरे पाकिस्तान दे कारकुन चाहे वो किसी भी जमात को किसी भी जमात दे जी मेरा उन्हां नाल जेरे जेरे जमातां नाल जेरे जेरे वडे जमात है जिन्हां नाल कारकुन काम करे ने उन्हां लीडरां नाल ही मेरा ए मैसेज है दरख्वास्त है के खुदा रा जेरे ले जेरी कारकुन तुहाडे नाल इतनी ज्यादा स्ट्रगल करे ने दिन रात मेहनत करे ने तुहाको ई ओदा तक किना ने के तुहाको पार्लियामेंट ते एवाना तक भी लेने उए कारकुन ने जेरे दिन रात स्ट्रगल प्यार दियो खलूस दियो कारकुना वास्ते तुसा कुछ ना कुछ जरूर करो जी आप तो एक दो गल दो एक ते ए वेख के तुसी जड़ा मंशूर पॉलिटिकल पार्टी लेके आंदी है ओ उससे पूरा अमल होवे अमल हो दूसरा ए वे के कारकना पार्टी दे अंदर और जो गवर्नमेंट चावे जायज हक उस तरह बनना हक मिलना चाहिए इज्जत थी होनी चाहिए। अंबर नवाज बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया, काश मेरे को होर वक्त हो गया मजीद गाल करूँगा। आबिद अब्बासी साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया, तो नाजरीन थोड़ी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया, तुसे सारे प्रोग्राम को सुना समझा गाल बड़ी सोहनी तरीके नाल इन सारे दोस्तों ने की, अंबर ने गाल की और आबिद ने भी गाल की कि लीडर को चाहिए कि कारकुन को खलूस दें।
प्यार दें, मुहब्बत दें, इज्जत दें, इतराम दें, दौलत नहीं मंगते। और सरायकी बेल्टी जी तुम देखो कि उत्ते उसे को दौलत मंद कहने जैसे कोई खलूस होता है, प्यार होता है जी। ए इंदा मैं इकबाल सोकरी का तुम शेर सुनावा, उनके समझ आए कि गाल की थी है कि चलाक चतरा ते अजीब थी गए, वल भी दिल दे करीब थी गए, मिल जुपो में अलहदा भी नहीं, खलूस मुक गए गरीब थी गए। इंदे नाल ही असमत आशवानी को इजाजत दो, बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात थी सी। अल्लाह सोने दे हवाले।